विक्की कौशल हिंदी सिनेमा के मंझे हुए कलाकारों में से एक है। मसान से लेकर उरी तक और राजी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। संजू एक्टर विक्की ने साल 2021 में पर्दे पर क्रांतिकारी उधम सिंह का किरदार निभाया था, जिसके लिए उनकी मूवी को इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब एक बार फिर से विक्की एक पॉपुलर किरदार के साथ सिनेमाघरों में लौटने वाले हैं। राजी के बाद एक बार फिर से मेघना गुलजार के साथ पर्दे पर उनकी फिल्म सैम बहादुर देखने को मिलेगी। बता दें कि अब इस फिल्म का एक नया पोस्टर सामने आया है। अब इस नए एक्साइटिंग पोस्ट के साथ मेकर्स ने सैम बहादुर के टीजर रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। वही विक्की अपनी आगामी फिल्म में 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के समय में इंडियन आर्मी ऑफिसर के चीफ रहे सम हॉर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानिक शो उर्फ फील्ड मार्शल सैम बहादुर की कहानी को पर्दे पर उतारते हुए नजर आएंगी। जिंदगी उनकी इतिहास हमारा पोस्ट के बाद विक्की ने हाल ही में एक और नया पोस्ट फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने टीजर रिलीज के साथ साथ फिल्म कब थिएटर में दस्तक देगी इस पर से भी पर्दा उठा दिया है। बता दें कि विक्की ने सैम बहादुर के लुक में नया पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को बताया कि मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म का टीजर आज यानी 13 अक्टूबर को रिलीज किया है, जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान 14 अक्टूबर को स्टेडियम में दिखाया जाएगा। उनके मोस्ट अवेटेड फिल्म के टीजर रिलीज डेट पर से पर्दा उठाने के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये फिल्म 2023 के अंतिम महीने दिसंबर की शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 1 दिसंबर 2023 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे ही मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसालों को अभी सब्सक्राइब करें।